वैसे ओम शांति शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, है ना? पहली बार तो नहीं सुन रहे हैं, राइट? लेकिन कभी सोचा है कि ओम शांति का अर्थ होता क्या है? कभी सोचा है हमने? सुना बहुत बार है, अच्छा भी लगता है, बोलते भी हैं ओम शांति। और आप सभी ने कितने प्यार से बोला ओम शांति, लेकिन विचार किया है इसका अर्थ क्या है? अगर अर्थ समझ लेना तो हम इसका कई गुना लाभ उठा सकते हैं। हमारे जीवन में जादुई परिवर्तन आ सकता है अगर हम ओम शांति के अर्थ में टिक जाए तो। सुना था इसे जपने से, बार बार बोलने से सिद्धियां मिल जाती हैं, मन को शक्ति प्राप्त होती है, शांति मिलती है, राइट? कभी सोचा ऐसा कैसे होता होगा? इसके पीछे की साइंस क्या है? ओम, ओम का अर्थ होता है आत्मा, सोल। जो शरीर को चलाती है वो शक्ति, वो नूर, वो प्रकाश, जिसे साइक भी कहते हैं, जो शरीर में बैठी है मस्तक के बीच में। अच्छा, फिर ओम हाई एनर्जी वर्ड कैसे हो गया? मतलब ओम आत्मा, तो आत्मा में ऐसा क्या है जो वो हाई एनर्जी उसे कहेंगे? क्यों है ये हाई एनर्जी वर्ड? क्योंकि ओम जो है ये 7 क्वालिटीज से बना है। ओम 7 क्वालिटीज से बना है। आप जानते हैं वो क्वालिटी कौन सी है? जानते हैं? बोलिए। हाँ बोलिए, जानते हैं? हाँ, सुख शांति। अच्छा, वो है सबसे पहले ज्ञान, नॉलेज। अभी हम बैठे हैं, नॉलेज का आदान प्रदान हो रहा है, तो आपको कितना अच्छा लग रहा है। देखो चेहरे कैसे खिले हुए नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं ना? नॉलेज, नॉलेज किस चीज की प्राप्त हो रही है? अपनी, कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। आत्मा है ही पवित्र, तो दूसरा क्वालिटी है प्योरिटी। और कहते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है, अर्थात सुख और शांति ये हैं दो और क्वालिटी सोल की, तो चार हो गई। कहते हैं जहां शांति है ना वहां प्रेम होता है, पांचवा प्रेम, और जहां प्रेम है वहां आनंद की अनुभूति होती रहती है। और आनंद है तो शक्ति की अनुभूति, अर्थात सारी शक्ति आत्मा की ऑटोमेटिकली कार्य करती रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पे सहन शक्ति की बात हम करते हैं, आप में से कोई ऐसा है जिसमें सहन शक्ति नहीं है? है? अच्छा, है आपके पास। रुकिए, सहन शक्ति की कोई कमी नहीं है आपके पास, लेकिन हमारी सहन शक्ति तभी कार्य करती है जब हम शांत रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप माता हैं, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि घर पे आप, माने घर पे आप बैठे थे और पीछे से आपका छोटा सा बच्चा आया, और आके जब वो छोटा था, अब तो बड़ा हो रहा होगा, छोटा आया और पीछे से एकदम से आके आपके बाल पकड़ के लटक गया या खींच दिए, तो आपको बहुत जोर से गुस्सा आ रहा, आपने उसको चाचा मार दिया। फिर कभी ऐसा हुआ कि उसने दोबारा ऐसा किया हो और आपने उसे प्यार से गोद में उठा लिया हो? हुआ है ना? हाँ, तो ऐसा इसलिए होता है कि जब आपने उसे प्यार से गोद में उठाया था, आपको सब गौर कीजिएगा, जब इन्होंने उसे प्यार से गोद में उठाया था तब इनका मूड बहुत अच्छा था, शी वॉज पीसफुल, इसलिए उनकी सहन शक्ति ने आप पे ही कार्य किया। लेकिन जब उन्होंने उसे चांटा मारा था, देखो परिस्थिति सेम थी ना, सेम बिल्कुल, कहते हैं ना परिस्थिति ऐसी है जी हम क्या करें। देखो परिस्थिति के हाथ में हमारा मूड नहीं होता, क्योंकि दोबारा भी उस बच्चे ने ऐसा किया था, लेकिन तब आपने उसे चांटा मारा था और एक बार गोद में उठाया था,
परिस्थिति सेम, रिएक्शन अलग अलग क्यों, मूड। उस वक्त अपनी स्वयं की स्थिति में स्थित थे, मैं एक आत्मा हूँ और शांत स्वरूप हूँ। जैसे अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, शक्ति अपने आप कार्य करती है, उन्हें कराना नहीं पड़ता कि अभी मैं सहन करूंगा, अभी मैं शांत रहूं, आप हैं ही, तो इसलिए शक्ति आप पे ही कार्य करती है। समझ में आया? ओम अर्थात आत्मा अर्थात सेवन क्वालिटीज से मिलके बनी, और सेवन क्वालिटीज का जब आपने नाम सुना तो मुख मीठा हो गया ना, है ना। तो मुख मीठा हुआ का मतलब क्या है, क्यों हुआ मुख मीठा? अगर मैं ये नाम लेता आपके सामने, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष भय, तो मुख मीठा होता है सुन के, सुनकर ही ना क्या लगता है ना। और भाई सुख शांति पवित्रता प्रेम आनंद शक्ति, आहा मजा आ गया, नहीं होता है ना। हाँ, तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यही आत्मा की ओरिजिनलिटी है, सोल इनसे ही बना हुआ है, इसीलिए कहते हैं ओम हाई एनर्जी वर्ड होता है। उसे जब आप दोहराते हैं तो अपने आप ही हमें शक्ति और प्रेम का अनुभव होता है। अगर उसे अर्थ सहित दोहराएं तो सोचो क्या हो जाए। तो आज से जब कभी कहे ना ओम शांति, तो ये फील करना कि मैं शांत आत्मा हूं। कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, बहुत इजी। चलो एक बार हम बोलते हैं, अब आप बोलिएगा, आपके बार फीलिंग से बोलना। बोलो ओम शांति। वेरी गुड, अच्छा लगा ना। हाँ, तो ये हाई एनर्जी वर्ड है ना, ओम नमो शिवाय कहते हैं ना। कोई इसका अर्थ बताएगा आप में से? नहीं जानते, कोई भी नहीं, इतने सारे भाई बहन बैठे हैं, कोई नहीं जानता। कोई बात नहीं, अभी आप सभी राजयोग सीखेंगे ना तो सब जान जाएंगे, है ना। ओम का अर्थ तो समझ गए, नमो शिवाय अर्थात मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ, कितना इजी है ना। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं हाई एनर्जी वर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो जितना हाई एनर्जी वर्ड रिपीट करते हैं हमें उसमें सिद्धि मिलती है, ठीक बिल्कुल वैसे ही जितने लो एनर्जी वर्ड हैं उन्हें जितना आप दोहराएंगे उसमें भी हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं छोटी छोटी बात पे कि मेरा गुस्सा ऐसे ही है, गुस्सा बहुत आता है भाई जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। या हम कहते हैं मेरी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है मेरी याददाश्त, कहते हैं बार बार। माताएं तो अक्सर कहती है ना। अच्छा, मैं माताओं से अक्सर पूछता हूँ, जब माताएं कहती हैं कि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है भाई जी, तो मैं उनसे पूछता हूँ, माता जी आपने रिसेंट में किसी को उधार दिया था या कुछ वर्षों पहले उधार दिया था, लास्ट उधार कब दिया था? तो माताओं ने किसी को कभी भी उधार दिया हुआ है आज तक नहीं भूली। हंसी आ रही है आप सबको? नहीं, कभी नहीं भूली हैं, वो नहीं भूलती हैं, कभी भी किसी को 5 रुपये भी दिए हैं वो नहीं भूलती हैं, है ना, होता है ना ऐसा। लेकिन कहती हैं हम कुछ अच्छी बातें हैं या कुछ स्पिरिचुअल टॉक हैं या कोई उन्हें अच्छी बातें बता दो तो भूल जाती हैं। क्यों? क्योंकि अटेंशन कम है। अगर कोई माता अभी आपके पड़ोस से आके आपको बताए, ए बहन तुझे पता है वहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आप कैसे कहते, अच्छा अच्छा और बता, अच्छा क्या। और मानो किसी कारणवश वो बिजी हो जाए या उसका फ़ोन आ जाए तो हमारा कान वही लगा रहता है कि ये फ़ोन कब रखे, कब उस बात को पूरा करे। और जैसे वो पूरा करती है तो क्या होता है, मनन चिंतन चालू हो जाता है, हो जाता है ना, मनन चिंतन चालू होते हैं, अंदर वो बात चलती रहती है और फिर वही नहीं रुकती। फिर हम क्या करते हैं, वो बात सबको बताते हैं, कम से कम 4-5 को तो बताते ही हैं, तो वो क्या हो जाता है, पक्का वो बात भूल के दिखाओ चलो, अगर याददाश्त कमजोर है तो भूलो। भूलता है कोई? नहीं भूलता ना। क्योंकि देखो, याददाश्त किसी चीज़ को स्मृति में रखना, याद रखने का जो प्रोसेस है वो ये है। सबसे पहले होता है अटेंशन, उस पर ध्यान देना। दूसरा रजिस्ट्रेशन, यानी उसे अंकित कर लेना। तीसरा होता है मनन चिंतन, और चौथा होता है रिकॉल करना, उसे बार बार
बाहर निकालना, बताना। और ये काम हमने बखूबी किया। जब किसी ने आके हमको बताया कि भाई वहाँ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, कितना ये चारों प्रोसेस, ये चारों जो स्टेप है, नहीं हमने उसमें अच्छे से डाल दिए। तो यहाँ भी ध्यान देना है कि जो पॉजिटिव चीज है, अभी हम बातें कर रहे हैं, नॉलेज की बातें चल रही है ना, बड़े ध्यान से पहले सुनिए, सेम वैसे ही सुनिए जैसे वहाँ सुनते हैं। मैं जानता हूँ सुनने की आदत नहीं है अच्छी अच्छी बातें, यानी मन को हेल्दी डाइट देने की आदत नहीं है, टेस्टी डाइट देने की आदत है ना। वही जैसे कि कोई व्यक्ति रोज ब्रेड पकौड़े, समोसे, यानी इवन नॉनवेज का लोग सेवन करते हैं जैसे, तो उनके लिए वो बहुत ही टेस्टी डाइट है। और उनके सामने आप हेल्दी डाइट रख दीजिए, लो भैया ये ककड़ी है और ये खीरा है और ये गाजर है, इसे खाइए आप, और इधर समोसे ब्रेड पकौड़े रखे, तो वो तो पहले उधर ही जाएगा ना, उसे क्यों छोड़ेगा वो, क्योंकि आदत है। जबकि हेल्थ उसमें है, हेल्थ उसमें है। समोसा खाओगे तो समोसे जैसे हो जाओगे, ककड़ी खाओगे तो ककड़ी जैसे हो जाओगे। वैसे ही मन की भी डाइट होती है। अगर मन को व्यर्थ में रुचि लेने की आदत पड़ गई है, कोई आए कुछ बताए, कहीं से कुछ पता चले, नहीं पर टीवी तो है ही, चलो न्यूज खोलो, सास बहू के टीवी शो खोलो, देखो उनकी सब, वो कैसे सब कुछ चल रहा है उनकी, है ना, राजनीतियाँ सबको सुनो ध्यान से, मज़ा आता है देखने में। क्यों? क्योंकि मन को ये टेस्टी फूड लेने की आदत पड़ी है। वहीं कोई हेल्दी फूड अगर हमें देता है तो हमारा सर ना भारी होने लगता है ना, नींद आने लग जाती है। आपको तो नहीं आ रही है अभी? नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा है, आई होप आपको ना आए। और आप इसी तरीके से ज्ञान बहुत ध्यान से सुनते रहें और अपने जीवन में उतारते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो नॉलेज हमने सुनी है, अब हमने क्या करना है, इसकी आदत डालनी है। आप जितना इसे सुनते जाएंगे ये अंदर जाएगी, अंदर जाके ना इसको उसी तरह से बिल्कुल मनन करना है जैसे वो पड़ोस की माता ने आके आपको किसी तीसरी माता के बारे में कुछ बताया था और आपने उसे बड़े ध्यान से सुना था, फिर मनन किया था, ऐसे ही अब इसे मनन करना है आपने। करेंगे? करेंगे, वेरी गुड।